161 नंबर बालीगंज विधानसभा के समस्याओं में एक समस्या जो है वो इलीगल लाइसेंसेस जो इशू किया हुआ है ऑटोस को वो है। उठाऊंगा आवाज बालीगंज की जनता के साथ हो रहे हर एक अन्याय के खिलाफ। टैक्सी लाइसेंस में हेर फेर और गरीब टैक्सी ड्राइवर से लूट पे क्या है आदिल की सोच और क्या इस सोच को आप सभी का साथ मिलेगा? आप जानते हैं कि जैसे सपोज अगर आप ये समझें कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट अगर एक से एक रूट का अगर 10 लाइसेंस देती है तो वहाँ पे 15 लाइसेंस चल रहे हैं, बाकी 5 इलीगल हैं। ये लाइसेंसेस इलीगल इसलिए चल पाते हैं, ये ऑटो इसलिए इलीगल चल पाते हैं क्योंकि ये सब पैसे जो हैं ये गवर्नमेंट के खाते में इलीगली जाते हैं, जो पार्टी फंड में जाते हैं, जो गवर्नमेंट को जिनका डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब समस्या ये है कि अगर आप इनको हटाते हैं तो ये जो कुछ 100 या कुछ हज़ार जो इलीगल चलते हैं ये ड्राइवर बेकार हो जाएंगे। तो इसका एक बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है कि भाई इनके लिए टेम्परेरी परमिट हो या कोई भी तरह का एक रास्ता निकले जिससे इनकी नौकरी भी ना जाए और ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में आ भी जाए, ना कि किसी पार्टी को जाए। तो ये एक रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इलीगल चलवा सकते हैं तो उसी चीज़ को आप लीगल करने में क्या दिक्कत है? अगर आप लीगल करते हैं उस चीज़ को तो उसका लाइसेंस का पैसा आता है और वो उसको भी पैसे नहीं देने पड़ते किसी को, उस गरीब का भी 2 पैसा ज़्यादा बचेगा और गवर्नमेंट के हाथ में भी पैसा आएगा। तो ये एक बीच का रास्ता हम लोगों को ज़रूरी है निकालना, जिसके लिए हम सोचते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव जो 2021 में आ रही है उसमें इस चीज़ के लिए भी लड़ाई करेंगे और इसका एक समाधान निकालेंगे, एक रास्ता निकालेंगे। और लोगों से अनुरोध है कि वो हमारा साथ दें इसमें और हमें विजय करें। यही कहते हुए हम अपने इसको ख़त्म करते हैं और जय बंग। तो दीजिए अपना साथ, बालीगंज विधानसभा में लाऊंगा संपूर्ण विकास। आदिल अमान अली, 161 बालीगंज विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल।